जनपद संभल के चंदौसी में भाजपा युवा मोर्चा के नवगठित जिला कार्यकारिणी में पवन मुखिया को पुनः जिला मंत्री मनोनीत होने पर भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा विकास नगर स्थित चंदा देवी धर्मशाला में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए पवन मुखिया को गंभीरता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया। पवन मुखिया के युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी में जिला मंत्री मनोनीत होने पर उनके पृथक गाँव मोरागढ़ के स्थानीय निवासियों ने भी फूल माला पहनाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान ग्राम पंचायत मोलागढ़ के प्रधान विजय सिंह गोड़ा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पवन मुखिया के युवा मोर्चा में सम्मिलित होने पर ग्राम पंचायत के युवाओं में ऊर्जा का संचार हुआ। इसका लाभ ग्राम पंचायत के विकास में भी सहायक होगा। इस दौरान युवा मोर्चा में नव मनोनीत जिला मंत्री पवन मुखिया ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जनमानस तक पहुँचाने का कार्य पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करेंगे। आपको युवा मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया गया है, इसमें क्या कहेंगे आप? मैं ना यही चाहता हूँ केवल पूरे विश्व के अंदर और भारत के अंदर केवल मात्र एक ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी गरीब अमीर सभी को साथ लेकर चलती है। जातिवाद कुछ भी कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है, सारी जातियों के साथ लेकर चलने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। योगी जी ने और मोदी जी ने लगातार देश के विकास के लिए जो कार्य किए हैं वो आज तक कोई भी जननेता कभी नहीं कर पाया। लगातार हमें हमारी पार्टी यही निर्देश दे रही है जितना भी विकास हो सकता है क्षेत्र में कराने का काम कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी पूरे जनपद में और पूरे देश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की गंगा हर तरफ बह रही है। जो समाजवादी और बसपा सरकारों में आज तक उत्पीड़न होता आया था लोगों का, ऐसा इस सरकार में कहीं पर भी किसी प्रकार से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा।